ये देखो इन्नू का खेल स्टार्ट हो गया है और इन्नू अभी इस टाइम पे खेल रही है। इन्नू क्या खेल रही हो? इन्नू इन्नू छोटा बच्चा क्या खेल रही हो? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में आज मतलब अभी से कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे ये सब्जियाँ निकाल ली हैं। मैंने निकाला है बैगन। बैगन बहुत बड़ा था, भरते के लिए रखा था, लेकिन भरता पहले बन चुका है तो इसलिए मैंने बैगन भी ले लिया है इसमें आधा, और गोभी रखी थी आधी तो वो भी ले ली है मैंने, गाजर ले ली है, मटर ले ली है, आलू ले लिए हैं और सेम की फली रखी थी वो भी ले ली है। तो बस इन सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है और मैं अभी हूँ किचन में। तो मैंने दाल एक साइड में चढ़ाने बनने के लिए रख दी है और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स सब्जी। तो मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो तब तक पीसना है मुझे मसाला, यानी कि प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट तो रखा हुआ था तो मैंने वो यूज़ कर लिया था और बस प्याज मुझे करनी थी। तो बस अभी मैंने यहाँ पे तेल गर्म हो चुका था, उसमें डायरेक्ट मैंने ये सारी सब्जियाँ डाल दी हैं और कुकर में मैं बना रही हूँ दाल। तो वो दाल मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और है साथ में मसूर की दाल। मूंग और मसूर की दाल ये लोग पसंद करते हैं। वैसे मैंने पहले कभी बनाई नहीं थी, खाई मैंने ज़रूर थी क्योंकि मम्मी वगैरह बनाती थी, तो मैं आज पहली बार बना रही हूँ। वैसे मुझे मतलब मैंने पहले नहीं बनाई है अभी तक, मूंग और मसूर की दाल एक साथ में नहीं बनाई है। अलग अलग बनती थी, मेरे मायके में बनती थी तो अलग अलग मतलब दालें बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों मिक्स करके दाल बनाई जाती है। तो बस मैंने वो रख दी है बनने के लिए और यहाँ पर सब्जियाँ भी मेरी फ्राई हो रही हैं तो बस इसको मैं चला रही हूँ बार बार से। तो थोड़ी सी मटर छिली हुई रखी थी और थोड़ी सी मैंने छील ली थी, तो बस अभी मैं उनको धोकर ला रही हूँ क्योंकि मैंने वो धोई हुई नहीं रखी थी तो ऐसे ही रख दी थी वो, और अभी मैं धोकर ला रही हूँ तो वो भी इसमें डाल दूँगी तो सारी सब्जियाँ एक साथ में मिक्स होकर मतलब अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो सारी सब्जियाँ इसलिए फ्राई कर लेते हैं जिससे कि वो सारी सब्जियों का जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है और कुछ सब्जियाँ पक भी जाती हैं, मतलब आधी सब्जियाँ पक जाती हैं तो इसलिए हम लोग फ्राई कर लेते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है फ्राई करने के बाद सब्जी का। तो दाल में एक सीटी आ गई है, मुझे एक सीटी और लगानी है। तो और आप लोग बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, तो हाँ मतलब इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी से काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत से लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं काम, मैं थोड़ा सा स्लो काम करती हूँ।
तो बस ये सारी सब्जियां फ्राई हो गई थी, दाल में सीटी भी आ गई थी, तो मैंने उसको बंद करके रख दिया है। और टमाटर अभी आने बाकी है, क्योंकि मैंने फ्रिज में देखे थे तो टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने इनसे मंगाए हैं। और टमाटर दाल में भी डलेंगे और सब्जी में भी डलेंगे, इसलिए मंगाने भी थे। और मैं सारी सब्जियां फ्राई होने के बाद मैंने निकाल ली थी, और उसमें डाल दिया मैंने दोबारा से थोड़ा सा तेल, सफोला तेल है। और बस इसमें डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग वगैरह, और यही एक दो मसाले मैंने डाले हैं, और थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है, जीरा है, और ये सारे जो मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें इसके बाद में थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर देंगे, और बस मसाले को भुनने देंगे जब तक कि तेल ऊपर ना निकल उतर आए। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मैंने एक वीडियो देखी थी नाजिया शेख जी की, उन्होंने हम लोगों के बारे में एक वीडियो बनाई है, उन्होंने अपना दुख जताया है अपने हमारी मम्मी जी के लिए, और उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए वीडियोज़ बनाई हैं, तो मुझे अच्छा लगा उनके बारे में भी। और एक निधा नाम से एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी मम्मी की जर्नी बताई थी, जब मम्मी साइनावा जी के यहाँ गई हुई थी उस टाइम की। और तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इस टाइम पे हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और वैसे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत भी है हम लोगों को इस टाइम पे, और मुझे अच्छा लगा, तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। तो ये बात भी है, हम सभी लोग एक फैमिली हैं, तो एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं। मतलब कि हाँ, अगर हमारे घर में कुछ हो रहा है तो बहुत से लोगों ने वीडियो बना दी हैं, और हमारी मम्मी के लिए, तो बस मुझे अच्छा लगा कि वो इस टाइम पे हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि कल मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी टैब पर, अपने हस्बैंड के बर्थडे का विश के लिए बोला था मैंने, तो कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे कि हम लोग अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब हम लोगों के मम्मी के जाने का कोई दुख ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स किए थे उनको लेकर, मुझे लेकर, तो उनको जब उन्होंने वो पोस्ट देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने मुझसे डिलीट करवा दिया, कहने लगे कि इसमें कितनी गंदी सोच रखते हैं लोग, और ये आपने डाल दिया है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने तो पोस्ट इसलिए डाल दी थी कि थोड़ा सा, बस ये हमेशा टेंशन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं मम्मी और पापा के बारे में, तो मतलब कि मैंने ये सोचा कि इन लोगों की सारी सभी लोगों की उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि कोई तो साथ दे रहा है, तो इसलिए मैंने वो पोस्ट डाली थी। लेकिन इन्होंने कल वो देखा कम्युनिटी पोस्ट पर, तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर इन्होंने मुझसे डिलीट करवा दिया वो चीज़। और बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ कुछ गलत गलत बोलने लगे थे, तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो हम लोगों को इतना तो पता है कि अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि ये सब बातें ध्यान में ना रखते हुए हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हम लोगों को दुख है, आप लोगों को जितना दुख है उससे कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हम लोगों को दुख है मम्मी के जाने का, तो आप लोग ये मत सोचें कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग वो सारे काम कर रहे हैं, मम्मी को याद नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं मेरे ही पोस्ट पर, मेरे ही ब्लॉग पर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर हमारे घर में ये सारी सिचुएशंस हुई हैं, इतने इतना सब कुछ हो गया, तो हम लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा ये चीज़ सब सोच उसके। तो बस यही था कि आप लोगों को इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को इस टाइम पे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि अभी हम लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वही बातें सामने आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, तो इंसान कहाँ तक इग्नोर करें उन चीज़ों को, मतलब तो इंसान को ना सोचते हुए भी कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में आ जाती हैं कि क्या कहीं में कहीं कुछ मैंने क्या गलत किया था मम्मी के साथ में, इसलिए मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है, इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। मतलब हम लोगों को खुद टेंशन है इतनी कि पापा का ऑपरेशन होना है, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि पापा का ऑपरेशन सही से हो जाए, उनकी जो आँख का ऑपरेशन होना है वो सही से हो जाए। तो बस यही सारी बातें थी, तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के कोई कमेंट किया कीजिए, क्योंकि हम लोग के अगर हम लोग पढ़ते हैं तो फिर वो चीज़ ध्यान में आ जाती है।
और अभी ये है दूसरा दिन सुबह का, तो मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ क्योंकि रात में हम सभी लोग बैठते हैं तो थोड़ा सा बिस्तर वगैरह खराब हो जाता है, और हो ही जाता है बच्चों में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये पेपर वगैरह आया हुआ था वो भी रख रही थी, और ये दो दो पेपर मैच हो गए थे, मतलब एक था 24 तारीख का, एक था 25 तारीख का, तो ऐसे मिक्स हो गए हैं, तो वो उन चीज़ों को मैं अलग अलग कर रही हूँ देख के। तो बस यही का रूटीन होता है जो मेरा, यही सारे काम होते हैं घर के, लेडीज़ों के, बस सफाई करना और ये करना वो करना, बस वही सारी चीज़ें हैं। तो बस टाइम हो गया है 10:30 के करीबन हो जाएंगे, और तो हमारी काम वाली आंटी के आने का टाइम हो गया है। तो तो बस आगे का जो रूम था वो मैंने ठीक कर दिया है। तो अभी यहाँ पे ये आलू रखे हुए थे टब में, तो कुछ आलू ख़राब हो गए थे तो वो मैं अलग कर रही हूँ, और कुछ जो सही आलू हैं वो मैं रख रही हूँ इसमें, क्योंकि ये जो आलू हैं वो ना बहुत ज़्यादा ख़राब जैसे हो गए हैं, और बस इनको गाय वगैरह को खिला देंगे तो वो ठीक रहेगा। और यहाँ पे मैं ये साफ़ कर रही हूँ, चूहे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उस वजह से ये सारा कचरा कर देते हैं, और कोई भी चीज़ होती है काटने लगते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गंदगी सी हो जाती है, तो वही मैं चीज़ साफ़ कर रही हूँ। और अगर मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई तो लाइक कर देना। खुदा हाफिज़।